शनिवार को DFO हमीरपुर राहुल रोहाने ने गोपालपुर चिड़ियाघर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जानवरों के हरबाड़े की व्यवस्थाओं को जांचा। उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं से वे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना काल के दौरान यहां काफी राजस्व घाटा उठाना पड़ा है। पिछले वर्ष लगभग 35 लाख इनकम हुई थी, लेकिन इस साल लगभग 5 लाख ही इनकम हुई है। उन्होंने बताया कि हेमल शेर अकीरा शेरनी के बच्चों धीरा और वीरा, जो कि अभी 3 महीने के हो चुके हैं, चिड़ियाघर का आकर्षण शेरनी अकीरा अभी अपने बच्चों के साथ है, और जब वह बच्चों धीरा और वीरा को बाहर लाएगी तभी पर्यटकों को इनका दीदार हो सकेगा। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम गोपालपुर चिड़ियाघर में हैं। आज गोपालपुर चिड़ियाघर में DFO हमीरपुर जी ने निरीक्षण किया है। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने चिड़ियाघर की क्या व्यवस्थाएं जांची है। सर, आज यहाँ पे जो निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है, जो हमारे एनिमल्स और जो इनके एनक्लोजर्स है उनको चेक किया हुआ है कि मतलब जो भी यहाँ की रख रखाव है, मेंटेनेंस है, और जो व्यवस्था होनी चाहिए जू में वो उसको चेक किया हुआ है, तो काफ़ी संतोषजनक है। और सारे एनिमल्स जो अभी तक जो मैंने देखे हैं तो वो हेल्दी है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी उनकी हो रही है। सर, ये जो शेरों के बच्चे हैं अभी पर्यटकों के लिए खुले छोड़ दिए हैं, ये क्या व्यवस्था है इसके बारे में आपकी? नहीं, अभी हमने जो इसके ऊपर छोड़ा हुआ मदर को हमने अभी फिलहाल छोड़ना शुरू किया हुआ है मेल के साथ। अभी मेल और फीमेल जो है वो इकट्ठा एनक्लोजर में जो आपका एग्जिबिट एरिया है उसमें घूम रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम इसको जो है वो आगे इसकी वो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मतलब किस तरीके से बच्चों को उनके साथ मेल के साथ जो है वो जोड़ा जाए, क्योंकि मेल का अभी तक जो है वो बच्चों के साथ जो है संपर्क नहीं आया है। तो हमने नेचुरली जैसे फीमेल अपने आप खुद इसको बाहर ले जाती, जैसे कराल में कराल वाले एरिया में ले जा रही है, वैसे ही ये खुद अपने आप एग्जिबिट वाले एरिया में जब ले जाएगी तब फिर हम इसको आगे इसके बारे में आगे और करेंगे। सर, अक्सर देखा गया है कि यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या हो जाती है, इसके बारे में क्या है? इसमें हमने मास्टर लेआउट प्लान जो जू का है वो हमने रिवाइज मास्टर प्लान जो है वो अभी भेजा हुआ है, और जैसे इसकी अप्रूवल आएगी उसके बाद हम इसको जो पार्किंग वाला जो यहाँ पे जो समस्या है या जो इसका लेआउट बनना है वो इसके ऊपर फिर काम किया जाएगा। अभी हमने ब्लैक बियर का जो हमारा जो एनक्लोजर का अप्रूव होके आया है, ब्लैक बियर एनक्लोजर का डिजाइन अप्रूव होके आया है, उसके लिए हमने बजट मांगा है। जैसे ही वो बजट हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हम जब ब्लैक बियर का इनक्लोजर शिफ्ट करेंगे इस जगह से, तो फिर वो पार्किंग के लिए वहां पे जगह खुली हो जाएगी और उसके बाद फिर पार्किंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। सर, पिछले दिनों यहाँ डॉक्टर साहब का भी तबादला हो गया है, तो यहाँ पर जानवरों के रख रखाव के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, अभी जो यहाँ पर जो डॉक्टर थे डॉक्टर विपिन, उनकी यहाँ से ट्रांसफर हुई है, तो उनके जगह पर अभी हमने जो हमारे यहाँ सस्तर MSC सस्तर में जो हमीरपुर में डॉक्टर है उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। वो हफ्ते में 3 बार यहाँ पर अभी आके इनको चेक कर रहे हैं। अभी पिछले ही सैटरडे को जो है उन्होंने यहाँ पे विजिट लगाया था और उन्होंने सारे एनिमल्स को हेल्थ वाइज सारी चेकअप किया है, और उनका फीडबैक भी रेगुलरली मुझे आ रहा है कि उन्होंने जो भी इंस्पेक्शन की या जो भी हेल्थ स्टेटस चेक किया है उसके रेगुलर फीडबैक दिया जा रहा है। तो जैसे ही हमने भी अभी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है एक परमानेंट डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद सर। मैं कुलदीप सोनी अपने सहयोगी संजय सोनी नगरी गोपालपुर से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोपालपुर से संजय सोनी के साथ नगरी से कुलदीप सोनी की रिपोर्ट। हैप्पी फैशन मॉल नैर चौक एक बार फिर जबरदस्त सेल ऑफर लेकर आ रहे हैं पालमपुर। सुरभि होटल पालमपुर सेल 9 मार्च से शुरू। लेडी सूट 200 रुपए में एक सूट के साथ एक सूट फ्री। रेडीमेड शर्ट 500 रुपए में एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री। जीन्स 1000 में एक पैंट के साथ एक फ्री। जेंट्स और लेडीज ब्रांड में 50% तक की छूट। ब्रांड नुमेरो लिवाइस रेमंड US पोलो एलन सॉली पेपे जीन्स।
तो चले आइए सुरभि होटल पालमपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7018900004, 7018124461, 9418124464।